घटना गंभीर थी क्योंकि दिन दहाड़े लूट की घटना को इन लोगों ने दुस्साहसी तरीके से अंजाम दिया था। इस कारण से पूरे जिले के अधिकारियों को एकत्रित करके एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एडिशनल SP हेडक्वार्टर बाड़मेर, डिप्टी SP चौटन और उनके सर्किल के 4 थाना अधिकारी एक साथ इस घटना की पतारसी करने में लगे, जिसमें आज हमें सफलता मिली है। और जो रामसर थाना अधिकारी की टीम दाऊद खान जो हैं, उन्होंने जोधपुर से 2 बदमाशों को दस्तयाब करके नियमानुसार उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम बाबूलाल पुत्र देसलराम और कांजी उर्फ कानाराम, दोनों निवासी मापुड़ी गांव हल्का गडरा रोड थाना है। इन्होंने दोनों ने घटना को कारित करना स्वीकार किया है। और ये भी सामने आया है कि इसमें इनके जो 2 अन्य साथी थे जो मुख्य रूप से इस घटना में शामिल थे इनके साथ, उन दोनों को भी नामजद कर लिया गया है। इनमें से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दूसरा छात्र है और बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं वो आला दर्जे के बदमाश हैं जो जोधपुर शहर में भी लूट के प्रकरण में वांछित हैं, NDPS के प्रकरण में भी वांछित हैं, जिनको इनकी इत्तला से इनकी पूछताछ के आधार पर जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लूटी हुई जो राशि है, जो घटना में प्रयुक्त वाहन है और जो हथियार है, वो भी इनके पूछताछ के आधार पर PC रिमांड लेने के बाद बरामद करने की पूरी तरह संभावना है। तरीका वारदात जो इनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर जो प्राइमा फेसी पूछताछ करने में बताई गई है, वो ये है कि ये दोनों यहाँ के लोकल निवासी हैं, रहने वाले थे। इन्होंने विक्टिम को काफ़ी दिन से निशानदेही पर रखा हुआ था कि ये भारी मात्रा में कैश लेके और चंदा इकट्ठा करके इस रूट से जाता है। ये 2 अन्य बदमाश जो जोधपुर के निवासी हैं, डांगियावास और जोधपुर कमिश्नरेट के निवासी हैं, उनके संपर्क में आए और इन चारों ने मिलकर के उन्हें लूटने का एक ये योजना तैयार करी, जिस योजना के तहत एक दूसरे को लोकेशन, मुस्तकिस की लोकेशन देते हुए और एक योजनाबद्ध तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया है। भाई चेहरा देख लेंगे ओम जी। ये लूट वाले नहीं, पता जगह जगह जाना चाहिए। चलो चलो ओके 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 ये दोनों मोटरसाइकिल पे थे और एक मोटरसाइकिल तो निश्चित तौर पे थी और बाकी रेकी के लिए अन्य किन किन वाहनों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया, ये पूछताछ में सामने आएगी। सर, के जो जिस बंदूक की नॉक पर लूट की बात है, तो वो बंदूक पुलिस ने जब्त कर लिया। आज हमने इनको गिरफ्तार किया है, इनका PC रिमांड लेने के लिए माननीय न्यायालय में निवेदन किया है और रिमांड में इनकी निशानदेही से हथियार और जो वाहन है वो बरामद किए हैं। जोधपुर के जो आरोपी हैं, पहले ही बाड़मेर में सुधार की घटना है, या फिर उन्होंने दूसरी जगह? बाड़मेर में उनके द्वारा इससे पहले क्या क्या घटना कारित की गई है, ये उनकी गिरफ्तारी पर पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ सामने आई है कि उदय मंदिर थाना हल्का जोधपुर में उन्होंने अभी फरवरी माह में ही एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। तो यहाँ के जो ये अपराधी है, ये इनका पहले भी कोई रिकॉर्ड है? जैसा मैंने बताया, इनमें से एक जो है मारपीट का पहले एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है और एक अभी ग्रेजुएशन का छात्र है।